नमस्कार। तो शाम के 6 बज चुके हैं और अहम खबर से शुरुआत कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ताओं से कड़े सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा है कि बिना सबूत आरोप कैसे लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अखबारों में छपी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेबी जैसी संस्था पर बिना सबूत आरोप लगाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण से यह भी पूछा कि अदाणी समूह के खिलाफ आखिर सबूत है क्या। आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट के कई कड़े सवाल इस पूरी हियरिंग के दौरान हुए हैं। करीब 3 घंटे ये हियरिंग चली है। सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अखबारों में छपी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। सेबी जैसी संस्था पर बिना सबूत आरोप सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण से पूछा कि अदाणी समूह के खिलाफ क्या सबूत हैं, और साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जो सबूत देने की बात कही गई तो ये भी कहा गया कि कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्यों पर आरोप लगाना अनुचित है। आपको बता दें कि जो 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उस पर भी प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी ने अदाणी समूह को क्लीन चिट दी थी। ये भी कहा गया कि अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर सेबी जांच संभव नहीं है। ये सेबी की ओर से कहा गया। वैधानिक संस्थाओं की कानूनी जवाबदेही पत्रकारों से बड़ी है। सेबी और LIC जैसी वित्तीय संस्थाओं पर अगर आरोप लगाया जाता है तो इसका असर बाजार पर भी होता है, और साथ ही इसके अलावा 2014 से फंड की हेरा फेरी पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो आरोप था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक बातें कही हैं। और आपको बता दें, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जांच की है, कुछ नहीं मिला, ये सुप्रीम कोर्ट में ने कहा। DRI के निष्कर्षों पर CSAT ने भी मुहर लगाई है। CSAT कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जो आज पूरे इस सुनवाई के दौरान सामने आई है, वो ये है कि जो प्रशांत भूषण का NGO है और OCCRP जिसको कि जॉर्ज सोरस वो फंडिंग करते हैं, इनके बीच का क्या कनेक्शन है, इस पर भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट पे विस्तार से चर्चा हुई है। इस पर क्या क्या हुआ ये आपको बताते हैं। विदेशी अखबारों में छपी रिपोर्ट को सच क्यों माने, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल पूछा गया। उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिपोर्ट गलत है, लेकिन सबूत जरूरी है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट की गई। इसके बाद सेबी ने भी कुछ बातें कही। सेबी ने कहा कि प्रशांत भूषण अपने ही NGO की, यानी उनका गैर सरकारी संगठन है, उसके रिपोर्ट पर जांच चाहते हैं और वो अपने ही NGO के जरिए पहले रिपोर्ट छपवाते हैं, फिर उस रिपोर्ट के आधार पर एक पिटीशन बनाते हैं और वो पिटीशन लेकर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, ये सेबी की ओर से कहा गया। सेबी ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि OCCRP, ये जो जॉर्ज सोरस का फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जानकारी सेबी ने मांगी थी इस रिपोर्ट को लेकर, लेकिन तब OCCRP ने कहा कि आप NGO के पास जाइए, वो आपको इस पर जानकारी देंगे। और जब वो जानकारी पता करने गए तो पता लगा कि ये प्रशांत भूषण का NGO है, ये बात सेबी ने कही है। और सेबी ने OCCRP की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सेबी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि OCCRP की जो रिपोर्ट है ये विदेशी NGO की है, और ऐसी रिपोर्ट पर अगर हम काम करने लगे तो हमारी एजेंसियों का क्या मतलब है, ये भी सेबी ने कहा। और साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल जो थे उन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक नया ट्रेंड चल गया है, एक नया चलन चल गया है कि पहले आप विदेश में खबर छपवाइए और उसके बाद उस खबर के आधार पर भारतीय नीतियों को प्रभावित कीजिए। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें हुई हैं। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो तमाम बातें वहाँ पर हुई है वो तो हमने दर्शकों को बताई हैं, लेकिन इस पर जो OCCRP की रिपोर्ट हो या फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं उनके बारे में सर आप विस्तार से बताइए। जी देखिए, ये सवाल इसलिए भी उठाए हैं क्योंकि हमने पहले भी देखा है, बहुत मामले यहाँ पर आते हैं जिसमें कोई मीडिया की आर्टिकल लेकर चले आते हैं, जिसमें कोई कहीं पर कोई खबर आई है उसको लेकर चले आते हैं, लेकिन सबूत के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक लकीर खींचने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है कि मीडिया की खबरों के आधार पर हम सेबी जैसे वैधानिक निकाय जो है उसको ये नहीं कह सकते कि वो इस मामले की जांच करे, वरना हम SIT का गठन कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अखबारों में छपी खबर ठीक हो सकती है, हम उन्हें गलत नहीं कहते, लेकिन उन्हें हम पूरी तरह सच नहीं मान सकते हैं। एक तरीके से हम अगर इसे कहें ग्रोस्पल ट्रुथ का मतलब निकालें तो उसका मतलब निकलता है कि इसको हम
ब्रह्म सच्चाई नहीं मान सकते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। हिंडनबर्ग को लेकर भी कहा कि हिंडनबर्ग जो अडानी के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर जांच के आदेश कैसे दे दें, कैसे मान लें कि ये सच है। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत की भी नज़र है कि किस तरीके से देश की अदालत में इस तरीके के केस आते हैं जिनके पास सबूत या सामग्री तो कोई नहीं होती है, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, आरोप बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए कोई भी आरोप लगाने से पहले, क्योंकि उसके लिए सामग्री भी होनी चाहिए, सबूत भी होने चाहिए। तो ये कहीं दूसरी चीज़ जो एनजीओ की बात हुई उसमें जब पूछा गया तो ये एक बड़ी बात थी। यहाँ पर तुषार मेहता जो सेबी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि एक ओआरसीसीपी की भी एक रिपोर्ट का हवाला है, एक अर्जी यहाँ पर है, लेकिन उस पर सेबी ने चुना है कि वो इस पर जवाब नहीं देगा। इसलिए जवाब नहीं देगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो इस तरीके के हैं। और एक लोकल एनजीओ पहले उन्होंने कहा, लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा कि एक ग्लोबल ये एनजीओ है, इसको लोकल मत कहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे रिपोर्ट की जानकारी मांगी कि आप जानकारी साझा करिए आपके पास क्या सामग्री है, तो उन्होंने ये जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि एक एनजीओ से बात करिए और वो एनजीओ प्रशांत भूषण से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक नया ट्रेंड अब देश में चल पड़ा है, ये ग्रोइंग ट्रेंड है कि विदेश में खबर छपवाइए और देश की नीतियों को प्रभावित कीजिए। तो ये बड़े दावे यहाँ पर किए गए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके की दलीलें, जिस तरह की सामग्री, जिस तरह की बातें हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संतुष्ट है कि जितने बड़े दावे हैं उतने बड़े ना उसको लेकर ना कोई सामग्री है ना कोई सबूत है। और ये एक बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि निवेशकों का हित उसकी सबसे बड़ी प्राथमिक चिंता है, इसलिए देश में ऐसे मामले दोबारा ना हो। शॉर्ट सेलिंग को लेकर बार बार कहा है कि आप क्या कदम उठा रहे हैं, आपने क्या कदम उठाए हैं, भविष्य में आप क्या उठाओगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये शॉर्ट सेलिंग का मामला है, जैसी एक पिटीशन भी यहाँ पर है कि इन्हीं के हिंडनबर्ग के खिलाफ ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी मामला जो है वो शॉर्ट सेलिंग का है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर भी सेबी ने कुछ खुलकर नहीं कहा है। उन्होंने कहा है जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल आशीष, ये बहुत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अश्विनी दुबे वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, गीता भट्ट भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और जो तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं अश्विनी दुबे, सेबी ने भी जो कहा है सुप्रीम कोर्ट में वो भी अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत भूषण अपने एनजीओ के जरिए रिपोर्ट छपवाते हैं, फिर जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अगर हम देखें तो आज की जो ओरल ऑब्जर्वेशंस थी उस ऑब्जर्वेशन में एक बात ये तय कर दी कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको हर प्रकार से संवैधानिक रूप से अधिकार है, चाहे वो सेबी हो चाहे अन्य संस्थाएं, सेबी को जैसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जिसको इन्वेस्टिगेशन करने का स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का, तो कोर्ट के लिए पहला तो ये है कि जब आप रिपोर्ट, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो उस एविडेंस के बिना आप कहते हो कि हम एसआईटी बना दें और सेबी की जो रिपोर्ट आ रही है, सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, ये ठीक ना कहना ठीक नहीं है। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जो कह रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, उस रिपोर्ट की सत्यता जांचने का कोई ऐसा तरीका भी नहीं है। तीसरा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हाफ बैक्ड जो ट्रुथ है, अखबारों में खबर प्रदर्शित हुई और उस अखबारों में खबर जो प्रदर्शित हुई उसके बेसिस पर आप मुकदमा डाल देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जो खबरें हैं वो खबरें उसमें सच्चाई नहीं है। तो इस तरह से कि समथिंग इज रिटन इन द न्यूज़पेपर, मे बी सम गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स टू बी गॉस्पल ट्रुथ, इट इज नॉट करेक्ट। और ये भी नहीं कह रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा वी आर नॉट सेइंग दैट वी डाउट दैट बट वी कांट से दैट इज एविडेंस इनफ टू डिस्क्रेडिट द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी, यानी साफ तौर पर कहा कि जो संवैधानिक रेगुलेटरी बॉडी है उसको अगर आप कहते हो उसको हम डिसबिलीव कर दें, वो डिसबिलीव नहीं, क्योंकि आप देखिए कि दो बातों पर सेबी को दो पहलुओं पर जांच करने कहा था, क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 19A का उल्लंघन हुआ है और दूसरा क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर स्टॉक की कीमतों में कोई फेरफेर हुआ,
वहां पर जो सेबी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो पहलू हैं उन पहलुओं पर कोई ऐसे सबूत और तथ्य नहीं मिले। तो निश्चित तौर पर ऑनरेबल कोर्ट की जो चिंता थी वो जायज इसलिए भी थी क्योंकि एक विदेश में कुछ होता है, एक पन्ने की दो पन्ने की रिपोर्ट आती है और एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज के साथ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आप जो है देश की इकोनॉमी को, देश की व्यवस्था को, देश की संस्थाओं को एक विदेश में छपी खबर के आधार पर और बिना उसका रिप्लाई लिए हुए, उस रिप्लाई को कंसीडर किए हुए, रिप्लाई फाइल करने के बाद भी आप देश की सबसे बड़ी अदालत में चले जाते हैं और जब एक कमेटी बन जाती है एक्सपर्ट्स की, खासतौर से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, उस कमेटी की रिपोर्ट पर भी प्रश्न खड़ा करने लगते हैं और फिर रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें एक सदस्य के ऊपर प्रश्न खड़ा करने लगते हैं और फिर जो है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करने लगते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं बेटर सेंस प्रिवेल करेगा अखिलेश जी और निधि जी उन लोगों को जो कि एजेंडा। गीता जी भी हमारे साथ हैं, गीता जी आपसे पूछना चाहूंगा जिस तरह से आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा, सेबी की ओर से कहा गया और खासतौर से एसजी ने जो कहा सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि एक नया चलन बन गया है कि अखबार में कुछ भी छपे विदेश में और उसके बाद उसको लेकर के भारत की जो अपनी घरेलू नीतियां हैं उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया जाए, और कम से कम आज जो सेबी की ओर से दलीलें दी गई या सॉलिसिटर जनरल की ओर से दलीलें दी गई या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कड़े सवाल पूछे गए और एक तरह से जो दिख रहा है कि जॉर्ज सोरेस के फंडेड ओसीसीआरपी हो या प्रशांत भूषण का अपना एनजीओ, इनके बीच की जो एक तरीके लिंक दिखाई दी है और जो सेबी ने अपनी ओर से कहा भी है कोर्ट में, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये एक सोचा समझा बड़ा खेल है? अखिलेश जी, जिस तरह से अभी कोर्ट में आज जो माननीय न्यायालय में न्यायाधीश जी ने जिस तरह के प्रश्न जो है खड़े किए और जिस तरह से आपने देखा कि पूरी प्रोसीडिंग्स चली है, उसमें भी बड़े एक मुझे लगता है कि बड़े स्वतः ही ये सवाल उठने भी चाहिए थे और वो उठाए भी गए हैं वहां पे, जिनमें कि ये बात सामने आई कि कोई विदेशी संस्थान भारत के उद्योगपतियों के बारे में, भारत की नीतियों के बारे में कोई भी अपनी समझ से बिना किसी तथ्यों के कोई रिपोर्ट छाप देती है, उसमें कुछ जो है फिगर्स को दे देती है और उसके बाद एक तरह से आप देखिए तो ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि एक जैसे षड्यंत्र की तरह उसे बड़ी जगह से छपवाया जाता है और एक इस तरह की एक नकारात्मक छवि सरकार की और जिस तरह से यहाँ व्यवस्था है उसकी जो है बनाने का प्रयास हो रहा है उस पर वो प्रश्न आज न्यायालय में उठे हैं और खास करके जो सेबी के द्वारा जो ये यहाँ वहां पे जो एक सबमिशन किया गया उसमें बताया भी गया कि जॉर्ज सोरोस का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है ओसीसीआरपी, उनसे जब प्रश्न पूछे गए उनसे कहा गया कि आप अपनी बताइए किस आधार पे आपने कहा कि इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, तो उस पे उन्होंने साफ साफ ये जवाब दे दिया कि आप जो है इस सब का जो डेटा है एक जो एनजीओ है उससे ले लें, जो कि जो प्रशांत भूषण जी जो कि जो इस केस को वहां लेकर गए हैं न्यायालय में उन्हीं की जो एनजीओ है उसका उन्होंने नाम ले दिया। तो अपने आप में ये तो बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से खुद ही जनरेट करिए, उसमें कुछ आधी सच्ची झूठी खबरों को मिलाकर या क्या उसमें तथ्य है उसको कुछ पेश कर दीजिए और बाद में उसी को लेकर आप जो है न्यायालय में जाकर सरकार पर और जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दीजिए। और कहीं ना कहीं इस बात पर भी आगे चलकर कुछ ऐसे प्रावधान भी करने चाहिए ताकि इस तरह कुछ डेटरेंट्स लाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से कहीं भी कोई भी कोई रिपोर्ट छाप कर इसमें माननीय न्यायालय का भी जो समय है जो कि और बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको कि लिया जा सकता है उसमें उनका ये समय भी जाया होता है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय पर इस पर भी बात होनी चाहिए कि कुछ प्रावधान भी होने चाहिए जिससे कि हर कोई इस प्रकार से केस बनाकर उसे न्यायालय में ना ले आए। बिल्कुल, हमारे साथ अमिताभ तिवारी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। अमिताभ, यहाँ पर ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, वी कैन नॉट ट्रीट हिंडनबर्ग रिपोर्ट एज ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, आप कैसे देख रहे हैं जो इस तरह की उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा? एसेंशियली हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें कुछ आरोप लगाए गए थे, पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बिठाई, उसने एक स्टेटस रिपोर्ट दिया और फाइनल रिपोर्ट अभी वो देने वाली है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया जो उन्होंने आज भी कहा है। लेकिन जब हम पेटिशनर्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसने रिपोर्ट बनाया है वहां पर भी लागू होता है, ये सवाल उठ सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी छपा है उसको गॉस्पेल ट्रूथ या बाइबल नहीं माना जा सकता, लेकिन कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द इश्यूज हमने कमिटी बनाई और वो उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दे दी और फाइनल रिपोर्ट वो जल्द ही सबमिट करने वाले हैं। अब इससे ज्यादा पारदर्शिता भारत में इन आरोपों को लेकर के या किसी भी देश में नहीं हो सकती। करेक्ट। तो वही बात है कि जो और आज भारत एक इम्पोर्टेंट अपने पड़ाव में है, पांचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 4 या 5 साल में बनने वाला है। तो इससे कई सारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इस उन्नति से खुश नहीं है, दैट इज वेरी क्लियर ऑल्सो, क्योंकि जो वेस्ट वर्ल्ड है, जो पहले का अस्टवाइल डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी को इतना उठते हुए नहीं देखना चाहता। तो इन मुद्दों को लेते हुए जब भी कोई रिपोर्ट ऐसी बाहर छपती है तो उसे भी हमें विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करा ही रहा है सेबी अपॉइंटेड पैनल से। पैनल के मेंबर्स उन्होंने अपॉइंट किए हैं, जब पैनल मेंबर्स अपॉइंट हुए तब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेटिशनर्स ने रेज नहीं किया मई में, मई के अराउंड आई थिंक मार्च या मई में, और सितंबर में रेज किया है। तो ये सारी बातें हैं, इनमें इन इन सब बातों को लेकर के देखना होगा। और भारत में जो चुनाव होने वाला है, देखिए चुनाव में बाहर के कंट्रीज का हस्तक्षेप बहुत है। जब यूएस जैसे देश में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि रशिया ने 2020 के चुनाव में कैसे हस्तक्षेप किया था, जी तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये क्वेश्चंस रेज करती हैं उनको भी इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। गीता जी, अश्विनी जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आज अहम रुख सामने हुआ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, और इस पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला, मुझे बताया जा रहा है, अभी हमारे साथ मौजूद है। तहसीन, आप कैसे देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि जो पूरा फैसला उसको सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन थैंक यू सो जो मच, अहम बातें सामने रखी हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपका क्या कहेंगे उस पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में छपी खबरों पर विश्वास नहीं कर सकते पूरी तरह से, तो आपको बता दें कि भारत में मुद्दों को प्रभावित करने के लिए देश के बाहर खबरें प्लांट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। और एक्सपर्ट कमेटी को जिस तरह से नियमों के उल्लंघन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते, इसलिए हमने सेबी को जांच के लिए कहा था। क्या जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है, सुप्रीम कोर्ट का रुख एक झटका है उनके लिए? तहसीन निधि जी, शुक्रिया कि मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, क्योंकि अब तक फैसला आया नहीं है, ये जरूर से एक झटका है उन लोगों के लिए जो शूट एंड स्कूट की पॉलिसी रखते हैं और बात बात पर पीआईएल में दखल अंदाजी करते हैं और हर संस्था पर वे आरोप लगाते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेबी को जो जांच की रिपोर्ट है वो जल्दी पेश करना चाहिए था। इसमें भी कोई कोई डाउट की कोई कोई इसमें कोई विषय नहीं है कि सेबी को भारतीय इन्वेस्टर्स के सामने क्लैरिफिकेशन रखना चाहिए था। ये इतना उलझा हुआ मामला नहीं है, लेकिन सेबी पर ही आप एक फिशिंग एक्सपेरिमेंट करो, एक रोविंग एक्सपेरिमेंट करते आरोप लगाओ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से देश के इकोनॉमी को धक्का लगता है और जो छोटे इन्वेस्टर्स है उनको धक्का लगता है। तो इस तरह की जो सियासत है, इस तरह की जो पीआईएल है, ये रुकना चाहिए। इसमें सवाल ये भी था तहसीन, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ, कि जो बात सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी को लेकर के उठाई गई प्रशांत भूषण के द्वारा, उस पर भी आज काफी
कड़ी बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये स्पष्ट कर दिया गया कि कमेटी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ने नहीं बनाई, ये हमने बनाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा। साथ ही ये कह दिया गया कि अदानी ग्रुप के लिए 2006 में जो वकील थे वो इसके हिस्सा थे, तो उन्होंने कहा कि लेकिन 2023 में आप ये आरोप लगा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ऐसे अगर आरोप लगाएंगे तो ये कमेटी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्या आरोपी के वकील को कभी जज ही नहीं बनाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। किसी पर यूं ही आरोप लगाते हुए आप सावधान रहें, आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन सबूत कहाँ है, सबूत तो दिए नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी, आप जानते हैं कि अदानी समूह को इस पर इसने क्लीन चिट दी हुई है, तो तहसीन जो मंशा है उस पर भी एक तरह का प्रश्न चिन्ह है कि किसी को आप केवल इसलिए निशाना नहीं बना सकते कि किसी जमाने में वो किसी के लिए अपीयर हुआ हो। जी बिल्कुल, मैंने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह से पढ़ी है और वो एक्सपर्ट कमेटी बहुत अच्छी कमेटी थी। देश के जो नामचीन लोग थे जो इस विषय में एक्सपर्ट है, कामत जी ने उसको हेड किया था, वो एक बहुत अच्छी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और उनके रिपोर्ट में क्लीन चिट दिया गया है, लेकिन कुछ प्रश्न भी उठाए सेबी द्वारा, सेबी से भी और अडानी ग्रुप से भी, तो बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप उस कमेटी को ही दोषी ठहराओ, मुझे लगता है गलत है। देखिए एक्चुअली दिक्कत कहाँ आती है हमारे देश में, मैं आपको बताता हूँ। हम अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करेंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट को हम कोर्ट में ले जाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में दिक्कत आएगी। 2G में भी हुआ था और यही वकील गए थे और तब भी मेरा स्टैंड यही था। तो ये कहीं ना कहीं, और कोर्ट्स को भी मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूं जब उद्योग के मामले में कोर्ट्स दखल अंदाजी करते हैं, अनलेस कुछ प्रिंसिपली गलत ना हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है वो रुक जाता है। 2G के बाद यही हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसके सामने मैं सर झुकाता हूं, सारे 2G लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए, यही वकील साहब थे। क्या हुआ उसके बाद, टेलीकॉम सेक्टर को इतना बड़ा धक्का लगा। तो ये नहीं होना चाहिए। सेबी, आरबीआई, आरओसी, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे हम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इनको अपनी रिपोर्ट जल्दी देनी चाहिए, लेकिन हर बात में आरोप लगाना कि हर एजेंसी भ्रष्ट है, मुझे लगता है खराब है। अब ये देखिए जो अडानी वाले मामले में, जो शेल कंपनी वाला मामला है, सेबी ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन जिन देशों पे ये आरोप लगा के शेल कंपनीज वहां पर बनी है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये शेल कंपनीज नहीं है। शेल कंपनीज में भी कुछ शेल कंपनीज लेजिटिमेट मींस होते। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मामले को अगर आप सिर्फ ए आरोप के मामले में या आप मीडिया रिपोर्ट्स के मामले पे आप कोर्ट चले जाओगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टर्स के साथ नाइंसाफी है। इसी के साथ मेरी हिदायत यही है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये जो एजेंसी है जिनके जिनका मूल काम है कि हमारे इन्वेस्टर्स को सुरक्षित रखे, इनको अपनी रिपोर्ट जल्दी पेश करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे, जबकि कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं, तो उसे पेश करें रिपोर्ट, तो वहां पर भी मुझे लगता है नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ जीएन गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, सेबी में रह चुके हैं। गुप्ता जी आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रक्रिया हुई है, इसको लेकर के सेबी ने भी अपनी ओर से कई सारी बातें कही हैं। एक तो जो कनेक्शन है प्रशांत भूषण के एनजीओ का और ओसीसीआरपी का, उसको लेकर के सेबी ने कई सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। उन्होंने कहा कि जब हम ओसीसीआरपी के पास गए कि आपने जो रिपोर्ट दी है इसमें सबूत कहाँ है, तो उन्होंने हमें डाइवर्ट कर दिया, बोलिए जाइए आप उस एनजीओ के पास। तो एक तरफ एनजीओ में खबरें छपती हैं, एनजीओ अपनी रिपोर्ट देता है, उसी के आधार पर पिटीशन बनती है और उसी पिटीशन के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और ये तमाम बातें की जाती हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सेबी ने ये स्पष्ट किया है कि अखबार में छपी खबरों का, इसका जाँच का जिम्मा सेबी का नहीं है, क्योंकि उसमें तथ्य है या नहीं है ये हमें क्या पता। देखिए इसके कई सारे पहलू हैं। पहला पहलू तो जैसे आपने बोला है कि जो मीडिया में खबर छपती है, अगर सारी खबर जो छपती है और स्पेशली जो इंडिया के बाहर छपती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसे होगी और कैसे हर खबर को तो एग्जामिन किया नहीं जा सकता है। दूसरा जो ये कहना है, जो आप ये बोल रहे हैं कि ओसीसीआरपी के पास जाओ तो प्रशांत भूषण को एनजीओ को भेजता है, एनजीओ के पास जाओ तो वो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट बोलता है, तो ये तो वही है कि मेरी गारंटी आप है और आपकी गारंटी मैं हूँ। तो दैट इज राउंड रॉबिन थिंग कि कौन सी चीज कहाँ से शुरू हुई और चिकन एंड एग स्टोरी वाली पोजीशन है। दूसरा मेरा यह कहना है कि जो ये रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्रेडिबिलिटी कहाँ से इस्टेब्लिश होगी, कौन इस्टेब्लिश करेगा क्रेडिबिलिटी। अगर सेबी कुछ बोलता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि सेबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है। अगर मैं कुछ चीज रिपोर्ट करता हूँ तो मेरी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि मैं सेबी से रजिस्टर्ड हूँ। लेकिन जो ना किसी लोकल लॉ से रजिस्टर्ड है, लोकल लॉ को कंप्लाई करता है, कहीं दूर है, उसके ऊपर
हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसको कोई जिम्मेदारी तो नहीं है, उसने तो कुछ भी बोल दिया और उसको लेके हम पूरे इंडिया में हाहाकार मचा देते हैं और फिर पूरे मार्केट में परेशानी करते हैं और सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने को है कि हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अगर कोई चीज छप रही है तो हम अगर उसमें विश्वास करते हैं तो हमको ये बताना चाहिए कि हम क्यों विश्वास कर रहे हैं। यहाँ तो है कि हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप पता करो कि हम क्यों विश्वास कर रहे हैं। ये कोई सिस्टम नहीं है। तो हमारा ये कि दिस केस जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये बहुत अच्छा केस है, क्योंकि आज की डेट पे सारे रेगुलेटर्स के ऊपर ये प्रेशर होता है कि कहीं पे भी मीडिया में कोई भी खबर छप दी उसका जवाब दही। अब इस चीज से कम ये हुआ कि मीडिया रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी वो ये बोल सकेंगे कि अगर जब तक हमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्य मिलता है तब तक हम हर एक चीज का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि क्या मीडिया की खबर जो छपती है वो गॉस्पेल ट्रुथ है। मेरा कहना है वो गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है। हमको हर जगह ये देखना चाहिए कि क्या उसके पीछे की इंटेंशन है। अगर मैं कल को आपको कोई एडवाइस देता हूँ तो आप सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी एडवाइस के पीछे मेरा क्या हित जुड़ा है, मेरा क्या फायदा जुड़ा हुआ है। और हिंडनबर्ग के केस में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें बिल्कुल क्लियर था, उसने खुद बोला हुआ था कि मैं शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना चाह रहा हूँ और वो सक्सेसफुल थे। तो उन्होंने तो बिल्कुल ये बात आज कोर्ट में भी आई है, ये बात आज कोर्ट में भी आई है। गुप्ता जी, देश रतन निगम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट। निगम साहब, जो बात गुप्ता जी कह रहे हैं ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में आई कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो शॉर्ट सेलर्स थे, जो खुद हिंडनबर्ग मानता है, जो बात गुप्ता जी ने भी कही कि हम तो शॉर्ट सेलर्स के फायदे के लिए काम करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ ये पूछा गया है। छोटे निवेशक जिनके जीवन भर की पूंजी और जिनको लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उनके हितों के बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये बात भी कही गई। और जहाँ तक अदानी समूह का प्रश्न है, वो ये पहले से कहता आया है कि जो हिंडनबर्ग है उस रिपोर्ट के जरिए शॉर्ट सेलर्स को मुनाफा दिया गया। अखिलेश जी और निधि जी, एक बात मैं बड़ा साफ कर दूं कि जो भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने आधार बनाया था वो सारी जानकारी तथ्य पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक रूप से थे, पहले से थे। उनको ये कहना कि हम रिपोर्ट ढूंढ के लाए, तथ्य ढूंढ के लाए, नहीं, हर जगह वो तथ्य थे, अवेलेबल थे, उन सब सबकी जानकारी थी और अडानी ग्रुप ने उनको ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रखा हुआ था, उसका मैनिपुलेशन किया गया। देखिए, अगर आपकी मंशा हमारे स्टॉक मार्केट को वोलाटाइल करने की और हमारे इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाने की थी, जिसे हम इंटेंशन कहते हैं, तो ये एक अपराध है, क्राइम है, जिसकी जांच दूसरे स्तर पे होनी चाहिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसका खुलासा हुआ भारत के खिलाफ, अडानी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ भी उनको टारगेट किया गया, तो ये पर्दाफाश जरूर होना चाहिए और जो असली लोग हैं, असली साजिश करता है, उनका नाम बाहर आना चाहिए और ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से, आपराधिक जांच से ही बाहर आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरा बहुत बड़ा सवाल उठाया, क्योंकि आज अदानी ग्रुप के ऊपर हमला हुआ है, कल को किसी और भी उद्योगपति पे हो सकता है, इंडस्ट्रियल हाउस पे हो सकता है, तो उन्होंने सेबी से पूछा, आप क्या कदम उठा रहे हैं जिससे कि हमारे स्टॉक मार्केट में जो इतना तूफान और ऊंच नीच हुई है, तो और जिसका मैनिपुलेशन हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, भारत एक ना रुकने वाला देश है उसकी आर्थिक प्रगति के लिए, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। तो उस पे अगर कोई कानूनी संशोधन करना है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, छोटे छोटे जो निवेशक हैं, चाहे मध्यम हो चाहे बड़े हों, सबको हमें बचाना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से उनका सीधा संबंध है। और इस तरह का जो मार्केट क्रैश उन्होंने किया है हमारे यहाँ और उसका फायदा उठाने की कोशिश करी है, जो कि गैर कानूनी तरीके से जो इस तरह की झूठी रिपोर्ट लाए, देखिए आप शॉर्ट सेलिंग करिए, वो अधिकार है, आप खरीदिए, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट ला के नीचे करना, मार्केट को नीचे करना, ये एक अपराध है और इस उसी श्रेणी में इसको लेना चाहिए। सेबी अपना कार्य करती रहेगी, सेबी के अधिकार क्षेत्र अलग है, और लेकिन इसमें जो आपराधिक मामला है वो भी होना चाहिए, क्योंकि मंशा इंटेंशन जो होता है अपराध करने का वो बहुत जरूरी है। यहाँ था कि गैर कानूनी तरीके से अपने आप को पैसा अर्जित करना, और वो हमारे यहाँ कानून में आईपीसी में मना है, जिसको कहते हैं अनजस्ट,
जैसे अनजस्ट स्थिति करें, जो एनरिचमेंट। कहे जॉर्ज सोरेस, जो जिनके फंडिंग है ओसीसीआरपी की, जो खुलकर ये कहते हैं कि उन्होंने कई देशों की करेंसी के साथ इसी तरह की छेड़छाड़ की, तो जाहिर सी बात है कि मंशा पर सवाल उठना तो लाजमी है। बहरहाल शुक्रिया आपका निगम साहब, गुप्ता जी और तहसीन पुनावाला जी इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी राय रखने के लिए। वक्त एक ब्रेक का। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछे कड़े सवाल, फैसला सुरक्षित रखा है। कहा, बिना सबूत आरोप कैसे लगा सकते हैं? तो ओसीसीआरपी रिपोर्ट और प्रशांत भूषण के एनजीओ का कनेक्शन, विदेशी अखबारों में छपी रिपोर्ट को सच क्यों माने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिपोर्ट गलत है, लेकिन सबूत जरूरी हैं। अपने ही एनजीओ की रिपोर्ट पर जांच चाहते हैं प्रशांत भूषण, ये सेबी ने कहा। प्रशांत भूषण अपने एनजीओ के जरिए रिपोर्ट छपवाते हैं, फिर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं। रिपोर्ट को लेकर ओसीसीआरपी से जानकारी मांगी, ये सेबी ने कहा। ओसीसीआरपी ने हमें एनजीओ से बात करने के लिए कहा, ये भी सेबी ने कोर्ट में कहा है। ये प्रशांत भूषण का एनजीओ है। सेबी ने ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को खारिज किया। ओसीसीआरपी रिपोर्ट विदेशी एनजीओ की है, ऐसी रिपोर्ट पर काम करने लगे तो हमारी एजेंसियों का क्या मतलब? सेबी ने ये भी कहा, नया ट्रेंड है, विदेश में खबर छपवाइए और भारतीय नीतियों को प्रभावित कीजिए। ये सॉलिसिटर जनरल ने आज जब चल रही थी चर्चा उस दौरान कहा है।